हेलो, आई एम द्रोणाचार्य अवार्डी भूपेंद्र धवन. और रिसेंटली मुझे हॉल ऑफ फेम इंग्लैंड में 2017 अगस्त में मिला है. और आई एम इंडियन टीम कोच फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स. 1994 से मैं पहली बार पावर लिफ्टिंग में फिनलैंड गया, और अभी तक मैंने करीब 18 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, 2 कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, 3 एशियन चैम्पियनशिप और 3 यूरोपियन चैम्पियनशिप में मैंने इंडिया टीम को कोच किया है. सो आई हैव ट्रेन्ड अंडर द द्रोणाचार्य द जिम नियर अबाउट 42 इंटरनेशनल प्लेयर्स. आउट ऑफ देम 36 इज द मेडल विनर्स इन कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग. एंड ये सब जर्नी मेरी रही, और बच्चों के साथ मैं पहले काम करता रहा. और मुकेश जी की जर्नी जो मेरी शुरू हुई, व्हेन मुकेश केम टू मी, ये जब मेरे पास आया तो ये ही वॉज अ फादर ऑफ अ सन. और जब मुकेश, मुझे मालूम नहीं था कि ये इज अ मैरिड, और हम तब नेचुरल वे में करते थे, सप्लीमेंट थे नहीं, तो नेचुरली इसका स्ट्रक्चर जो था बड़ा ब्रॉड था, और मुझे लग रहा था कि ये आने वाले दिनों में चैम्पियन बनेगा. पहले तो हम नेचुरल डाइट में अभी भी ज़्यादा बिलीव करते हैं, बट समटाइम इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेल इन दिस लाइन यू नीड अ गुड न्यूट्रिशन. सो हम तलाश करते करते करते, पहले हम थोड़ा दूसरी कंपनीज को करते रहे, बट व्हेन वी साइंड द दिस डोमिनेटर, जब मुकेश ने उन्होंने साइन किया और ये लोग मेरे पास आए, सो हमने जब से डोमिनेटर शुरू किया फ्रॉम लास्ट फोर ईयर्स, या 4 ईयर्स से, मैंने ये देखा कि मुकेश बिकम 2-time वर्ल्ड चैम्पियन, 3-time यूरोपियन चैम्पियन, यूरोपियन बेस्ट लिफ्टर. एंड अभी हम गए थे अमेरिका, इज द फर्स्ट इंडियन टू रिप्रेजेंट ओलंपिया पावर लिफ्टिंग प्रो, एंड ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द गोल्ड मेडलिस्ट. ये हमारे लिए प्राउड की बात है, पूरे हिंदुस्तान के लिए प्राउड की बात है. मैं डोमिनेटर के बारे में ये भी बोलना चाहता हूँ कि जब मैं इन लोगों से मिला और मुझे लगा कि ये लोग जो नॉलेज रखते हैं तो क्यों ना इन्हीं से काम किया जाए. और मैं जब से मैंने इनके साथ है, मेरे अभी 2 लड़के यूरोप में चैम्पियन बन के आए हैं, फिर भीम सिंह है वो, और जिमी भामरा पंजाब से है, वो लोग भी गोल्ड मेडल लाए. उसके बाद अनूप सिंह अभी मिस्टर यूनिवर्स में गोल्ड लाया. मतलब इंटरनेशनली हमारे स्टूडेंट चलते रहते हैं, लेकिन अभी क्वालिटी और बेटर हो गई है. जैसे मुकेश का है, पहले मैं सोचता था जब पावर लिफ्टिंग में इसको डाला कि यार चलो 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 एक बार करो, एक बार छोटे चैंपियन बन जाएंगे, बिकॉज पावर लिफ्टिंग इज द बेस ऑफ बॉडी बिल्डिंग. तो हमने देखा कि साइज भी गेन हो रहा है, क्वालिटी भी आ रही है, इसीलिए मैं मुकेश को लेके इधर चला, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया. इवन मेरी एज में भी मैंने भी इसको यूज़ किया. इन आई एम 60 ईयर्स, यू नो, और मैंने अपनी एज में भी इसको यूज़ किया. मैंने अपनी वाइफ को भी बोला कि ये मील रिप्लेसमेंट है, कभी आपको ज़्यादा काब्ज नहीं चाहिए तो ये ले सकती हो, ये ले सकते हो. तो सारे प्रोडक्ट मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. और ये एक रेवोल्यूशन आ गया कि मेरे द्रोणाचार्य दा जिम में भी, जब से हमने कंपनी ज्वाइन किया है, आई मीन टू से कि वी स्टार्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ डोमिनेटर, रियली अमेजिंग रिजल्ट्स. मैं कभी सोच नहीं सकता था, और उस चीज़ की हिंदुस्तान में ज़रूरत थी. अभी मेरे जो कोई भी कॉम्पिटिशन होता है, मेरे 50-60 स्टूडेंट्स आते हैं, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इवन 70s लोग भी जाते हैं. एक टाइम में इंडिया में हम जब हैदराबाद और पुणे में, आप पुणे में फर्स्ट टाइम मिस इंडिया बने हो, देर आर 70 स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर जिम. पर हम उस टाइम भटक रहे थे कि कौन सा सप्लीमेंट एक ऐसा हो जिससे कि हमें रास्ता ठीक मिले. वो रास्ता हमें डोमिनेटर में दिखाई दिया. रियली एज ए इंडियन टीम कोच, एज ए हॉल ऑफ फेम, आई रियली इसमें मैं इमोशनल भी इन्वॉल्व हूँ, बिकॉज मेरे को रिजल्ट जो मिला है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ. मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट थे मेरे हरियाणा पंजाब नॉर्थ जोन से थे, तो हरियाणा और पंजाब की एक आदत है, एक चीज़ के पीछे लग जाएं तब तक तो वहाँ कबड्डी और फुटबॉल और ये कुश्ती और ये भी वही खेलता था. पर जब मैंने इनको कन्वर्ट किया इनटू द बॉडी बिल्डिंग, मैंने इधर लगाया, तो उस साल 2007 में वी वन आउट ऑफ 9 कैटेगरीज, वी वन 8 गोल्ड मेडल इन हैदराबाद. हैदराबाद में इवन सेकंड भी बच्चे मेरे जिम से थे, थर्ड भी थे. सो मैंने देखा बड़ा पोटेंशियल है हरियाणा के अंदर, और मुकेश जी ने एक इनको, ये ही इज़ अ रोल मॉडल इन नॉर्थ इंडिया, इवन इन इंडिया सब लोग इनको फॉलो करते हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है. व्हेन वी वर इन US होटल वेस्टगेट में, मैं वेजिटेरियन, मैंने बोला भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं कुछ बाहर का नहीं खाऊंगा,
देन ये प्रोटीन तो ले ही गए थे हमने, थोड़ा शेकर में घोला मैंने, फूड रिप्लेसमेंट ले लिया। सो ये सब चीज़ें बहुत काम आती है लाइफ में। पहले मैं ये कहता था यार बच्चों पियो, मैंने 10-12 साल तक ये सप्लीमेंट कोई लेते थे, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया था। लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया और जब अपनी बॉडी पे अभी देखा कि मेरी बॉडी में क्या, बीच में मैंने बहुत वेट रिड्यूस कर लिया था, 120 kg से मैं 70 kg पे आ गया था। फिर मुझे लगा कि मेरी रिकवरी नहीं हो पा रही, इनके सप्लीमेंट से मेरा रिकवरी हुआ। इन द एज ऑफ 60 अगर मैं रिकवर कर सकता हूँ, इतना बच्चों का ट्रेनिंग कराता हूँ, एनर्जेटिक रहता हूँ, मेरे ख्याल वो सब एज ग्रुप के लिए इट्स गुड। व्हाट इज द सप्लीमेंट? इट्स अ बेटर क्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एक्स। उसमें वो चीज़ें जब आप बड़े हो जाते हैं, आपके दांत, आपका बॉडी स्ट्रेंथ करता है, आगे आपकी ताकत बढ़ती है, तो उसके लिए आप अब उस एज में आपको कॉम्प्लेन नहीं चलेगा, उससे बेटर जाना पड़ेगा। तो उसका बेटर रिप्लेसमेंट B1, B6, B12 कितनी चीज़ें हैं आपके लीवर के लिए इसमें होता है, प्रोटीन्स में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और एक ही मील में आपको कितना रिप्लेसमेंट मिल जाता है, यू कांट ब्रेव इट। एज अ कोच, एज अ द्रोणाचार्य बॉडी, रियली ये रेवोल्यूशन लाए हैं, और मैं इस रेवोल्यूशन के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। मुकेश को 4 साल पहले मैंने जब बोला कि लेट्स टर्न इनटू द पावर लिफ्टिंग, ये ही वाज थिंकिंग, इसने 2-3 महीने मुझे जवाब नहीं दिया। देन वी वर सेटिंग, मैंने वो व्हाई नॉट गो फॉर पावर लिफ्टिंग, और आज ये पहला ओलंपिया बन गया, क्योंकि मैंने कहा एक अच्छी कंपनी मिल गई है, अच्छा हमारे को एक रिप्लेसमेंट फूड का मिल गया है। हम खाना तो ऑरली तो खाते ही खाते हैं, लेकिन एक अच्छा सप्लीमेंट भी मिल जाना। हर देखिए मुकेश इज नाउ 46-47, अगर ये अभी इंजेक्शन लगाएंगे तो कितनी लाइफ बचेगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको फूड अच्छा मिले, अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन मिले, यू कैन बी लाइक हिम। अभी आप हमारे को यूट्यूब पे फॉलो करते हो, लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उसका कारण ये है कि अभी भी हम परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। जॉइंट्स ठीक हैं, 280 kg की स्क्वाट्स, कमर ठीक है, 270, 80, 280, 300 kg भी इसने स्क्वाट किया, और बेंच प्रेस अभी हमने 225 किया। क्या इस एज में पॉसिबल है? है पॉसिबल, अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन रखते हो, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे विद डोमिनेटर। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो लाए और वो हमें बार बार नई नई चीज़ें ला के देते हैं, मार्केट में ला रहे हैं। अगर आप मानेंगे इट्स गुड, इफ़ इसमें बस एक ही कहावत है, इफ़ यू बिलीव देन नो प्रूफ इज़ रिक्वायर्ड, इफ़ यू डोंट देन नो प्रूफ कैन सेटिस्फाई। अंडरस्टैंड? आपकी सारी वर्जिश बेकार है अनटिल अनलेस आपने डाइट से उसका रिकवरी नहीं किया, और अच्छी डाइट से। एक होता है समोसे पकौड़े खा लेना, एक होता है उसके बाद इंजेक्शन। इंजेक्शन इज नॉट अ लाइफ, दैट इज फॉर द सिक पर्सन। द न्यूट्रिशन, राइट न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, यही मेरा मैसेज है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।